नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिजाइन और आज मैं आप लोगों के लिए 20x35 फीट का उत्तरमुखी घर का नक्शा लेकर आया हूं। और इसको बनाने के लिए मुझे आप लोगों के द्वारा ही यूट्यूब पे कमेंट्स मिला है, तो उन्हीं के कमेंट्स के आधार पर यह नक्शा मैं तैयार करता हूं। दोस्तों, यह जो प्लॉट है वह तीन तरफ से घिरा हुआ है, केवल फ्रंट से ही ओपन है और इसमें पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो इसमें थोड़ा वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट में छोटा सा पार्किंग दिया गया है। पार्किंग का साइज 7 फीट 10 इंच बाई 9 फीट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट 10 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ओपन स्पेस मिल रहा है विंडो लगाने के लिए। और यहाँ लिविंग दिया गया है, लिविंग का साइज है 11x9 फिट का। और इसमें देखिए फर्नीचर का लेआउट किया गया है, यहाँ पर भी टीवी अरेंज करके आपको समझाया गया है। यहाँ डोर लगेगा और आएंगे लिविंग रूम में, यहाँ पर आप डोर लगा सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल ओपनिंग भी रख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यह देखेंगे हॉल है। हॉल का साइज है 9 फिट 4 इंच बाई 12 फिट 9 इंच का। यहाँ पर देखिए एक जो है नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट दिया गया है, तो नॉर्थ वेस्ट में आप टॉयलेट बनवा सकते हैं, अच्छा होता है। तो इसमें तो देखिए WC का लेआउट करके आपको समझाया गया है, आप इस साइड पे टैब लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा में सीढ़ी बनाया गया है और सीढ़ी को दाहिने हाथ की तरफ घुमाते हुए बनाया गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी सीढ़ी का निर्माण करवाएं तो वह हमेशा दाहिने हाथ की तरफ ही घूमते हुए होना चाहिए। यहाँ देखिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाया गया है, तो जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है वह मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा माना गया है। और यह देखिए साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में किचन एकदम उत्तम होता है और किचन का साइज 6x7 फिट का। इस बेडरूम का साइज 12x10 इंच बाई 10 फिट का। यहाँ देखिए इतना पोर्शन OTS रहेगा किचन के वेंटिलेशन के लिए और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यह प्लॉट तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह कोई फाइनल प्लान नहीं है, फाइनल प्लान के लिए आप आर्किटेक्ट से संपर्क करें और इसका डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए सिविल इंजीनियर से संपर्क करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लिविंग के लिए यहाँ पर विंडो हो जाएगा, टॉयलेट का विंडो यहाँ से हो जाएगा, किचन के लिए यहाँ से हो जाएगा और इस बेडरूम के लिए यहाँ से हो जाएगा। बाकी ये तीनों तरफ से पैक है और छोटा सा ही जगह है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यह प्लान आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।